मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब लोग? विल बी फाइन. ओके, वेरी गुड. विल बी फाइन. यस. आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर नए चैप्टर में सीखेंगे चैप्टर नंबर 6, अपनी कमाई. यानी कि अपनी कमाई कैसे होती है वो आज हम सीखेंगे और उसके बारे में भी जानकारी थोड़ी बहुत हम लेंगे. राइट. तो आप सारे बच्चों को पेज नंबर 28 अपनी कमाई के बारे में जानना है. आप टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए. यस, टेक्स्ट बुक से ओपन. ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते. आज जानते हैं बच्चे लोग कि कमाई यानी कि बाहर जब पापा जाते हैं वो कमाने के लिए जाते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद ही उनको पैसे मिलते हैं. वो पैसों से हमारा घर चलता है. और वही बात से हम जानकारी मतलब जान जाते हैं कि कमाई कैसी होती है. अपनी कमाई यानी कि हम खुद कमाते. जैसे अभी आप छोटे हो तो आप कमाने नहीं जाते हो, आपकी सारी फरमाइशें आपके पापा और आपके मामा पूरी करती हैं. यानी कि फिनिश यानी कि डिशेज पूरी करती हैं, क्योंकि वो दोनों साथ ही कमान जॉब पर जाते हैं. पहले क्या था पता है, पहले ओनली 4 बॉयज़ यानी कि जो पापा होते हैं वो ही जाते थे जॉब पर. अब की रूटीन में क्या होता है कि अभी के टाइम पर अभी मम्मा भी जॉब पर जाती हैं. ऐसे कोई कंपनी में हो, कोई ऐसे कोई स्कूल टीचर्स हो, ऐसे कोई असिस्टेंट्स की जॉब हो, कहीं पर भी पार्ट टाइम यानी कि आधा दिन की जो जॉब होती है वहाँ पर वो जाते हैं और खुद अपना एक्सपीरियंस करते हैं. यानी कि उन्होंने जो पढ़ाई की है उसका उपयोग होता है, सदुपयोग होता है, और उसकी वजह से वो जॉब करने की वजह से वो लोग आपकी विशेष पूरी करते. तो क्या वो खुद कमाते हैं, ये हम जानकारी जान सकते हैं. राइट. यस. तो अब हम पार्ट को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे. चलो पेज नंबर 28, अपनी कमाई. ओके, गुड. तो चलो अब हम स्टार्ट करें. सब लोग अपने अपने टेक्स्ट बुक्स निकाल देना. शिक्षाप्रद कहानी. किसी शहर में एक अमीर रहता था. एक शहर था जहाँ पर एक अमीर रहता था. उसने समुद्री व्यापार से बहुत धन कमाया था. समुद्री व्यापार से यानी कि एक ऐसी समुद्र जो समुद्र होता है पानी का, वहाँ से उसने बहुत सारा व्यापार यानी कि धन कमाया था. लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका था और चाहता था कि उसका पुत्र उसका काम संभाले. क्या कहते हैं, वो अब उम्र लायक होता हो चुका था लेकिन वो कमा नहीं सकता था. यानी कि वो सोच रहा था कि अब मेरा बच्चा यानी कि मेरा लड़का, मेरा बिजनेस, मेरा जो काम है वो अपने पास साथ ले ले, यानी कि वो सीख जाए और वो मेरा आगे बढ़ाए. क्या कहते हैं कि वो सोच रहा है कि मेरा लड़का मेरा ही बिजनेस आगे बढ़ाए. लेकिन उसका पुत्र आलसी था. उसका पुत्र क्या था, आलसी यानी कि कमाई यानी कुछ काम करता नहीं था. ओनली वर खाना पीना और सो जाना यानी कि आराम से रहना. परिश्रम करने का न तो उसे अभ्यास था और न ही उसकी इच्छा थी. यानी कि परिश्रम यानी कि मेहनत करना ना ही उसकी इच्छा थी, न वो अभ्यास में कुछ आगे बढ़ा और ना ही उसकी कोई इच्छा थी कि मैं पढ़ूँ, कुछ लिखूँ, कुछ बनूँ, ऐसा कुछ भी उसके मन में नहीं था. तो क्या सोचा, वो आलसी था, उसके लिए उसको पसंद आता नहीं था क्योंकि उसके पापा बहुत ज़्यादा कमाते थे, उसके पापा के पास बहुत सारा धन था, तो उसको वो ज़रूरत नहीं थी. तो वो आलसी हो चुका था. मेहनत कैसे होती वो उसे नहीं पता था. पिता के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता था. जब पिताजी उसको समझाते थे तो उसका कोई भी असर उस पर होता नहीं था. यानी कि उसको वो यूँ ही लगता था पापा बोलते हैं, सुनने का और जाने देने का मतलब मुझे कोई भी उस पर असर पड़ता नहीं था. पापा हमें अच्छी बातें हर बार समझाते हैं, बट हमें समझनी चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, हमारे अच्छे के लिए कहते हैं. पेरेंट्स जो भी कहते हैं वो हमेशा हमारे अच्छे के लिए ही कहते हैं. एक दिन प्रातःकाल अमीर ने अपने पुत्र को पास बुलाया. एक प्रातःकाल यानी कि एक समय, क्या कहते हैं, एक समय यानी कि शाम का टाइम था. उस टाइम पर पास अपने पुत्र को पास बुलाया और कहा, जाकर कुछ कमा लाओ नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा. क्या कहते हैं उसके पुत्र को, उसके पिताजी कहते हैं,
कि आज जाओ सुबह, वो उठा कर बुलाते हैं और कहते हैं कि जाओ आप जाओ और यहाँ से आप कमा कर लाओ, अगर कमा कर लाओगे तो ही आपको खाना रात को मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। लड़का सीधे अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। बच्चा क्या था, वो छोटा था तो वो तुरंत ही रोने लगा और अपनी माँ के पास चला गया। माँ ने बेटे की आंखों में आंसू और मुख पर चिंता देखी। उसकी माता बेचैन हो गई। माँ क्या होती है, बेचैन हो जाती है, अपने चेहरे पर वो मायूसी देखती है तो तुरंत ही माँ के पास हो गया और वो रोने लगा था। तो माता ने देखा उसकी आंखों में आंसू थे और मुँह पर चिंता थी, मुँह पर तो वो भी चिंतित हो उठी। उसने अपना संदूक खोला और एक अस्त्र भी निकाल कर बेटे को दे दी। क्या किया उसकी माता ने कि उसके संदूक, संदूक यानी कि जो हम पैसे रखते हैं वो पॉकेट जो रखते हैं वो संदूक और डिब्बा, वो डिब्बे में से उसने पैसे निकाले, एक शरीफा निकाला, अशरफ यानी कि एक सिक्का निकाला और बेटे के हाथ में दे दिया। रात को पिता ने पुत्र से पूछा, आज तुमने क्या कमाया। पिता ने शाम हाथ हुई और पुत्र से पूछा, क्या बेटा तुमने क्या कमाया। लड़के ने जेब में अशरफी निकाल कर पिता के सामने रख दी। क्या बोले, लड़के ने वो जेब में से अशरफी निकाली और पिताजी के सामने रख दी। पिताजी ने कहा, इसे कुछ कुएं में फेंक दो। क्या कहते, उसे कुएं में तुम फेंक दो। ये क्या बोलते, अब तू पैसा ला, वो कमा कर ला, तो अब क्या करेगा, वो अशरफी और तू कुएं में डाल दी। लड़के ने तत्परता के साथ ही पिताजी की आज्ञा का पालन किया। उसने तुरंत ही अपने पिताजी की आज्ञा का पालन किया और वो सिक्का वो कुएं में डाल दिया। पिताजी सब कुछ समझ गया। दूसरे दिन उसने अपनी पत्नी के लड़के को अशरफी देने से मना कर दिया। दूसरे ही दिन क्या किया, जो उनकी जो पत्नी थी उनको ना बोल दिया कि हाथ से तुम उसे अशरफी नहीं दोगी, मतलब उसको कुछ नहीं दोगी और उसको अपने हिसाब से कमाने का मौका दोगी। और ये बात सही है बच्चा लोग कि हमें अपने हिसाब से ही कमाना चाहिए। मेहनत कैसे होती है, पढ़ाई कैसे होती है, वो हमें ही पता है। माता पिता पूरे मंथ कमाते जाते हैं, मॉर्निंग से लेकर शाम तक कभी वो खाना भी नहीं खाते हैं, तो हमें इतना तो पता होता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं और कैसे मिलते हैं, तो हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। जितनी ज़रूरत है उतना ही हमें लेना चाहिए, यानी कि उससे आगे कोई खर्च ज़्यादा नहीं करना चाहिए। फालतू चीज़ें नहीं लेनी है, जो अपने ज़रूरत है उसकी चीज़ें लेनी है। तीसरे दिन उसने फिर लड़के को बुलाया और कहा, जाओ आज कुछ कमा कर लाओ नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। वापस तीसरे दिन हुआ, तीसरे दिन भी उसके पिताजी ने कहा, बेटा जाओ आज कमा कर लाओ वरना शाम को खाना नहीं मिलेगा। राइट, तो वो सोच रहा था नहीं मिलेगा रात को खाना तो मैं क्या करूँगा। लड़का फिर अपनी माँ के पास गया लेकिन उसकी माँ ने उसे पैसे नहीं दिए। आज इस बार भी लड़के ने अपनी माँ के पास गया और रोने लगा था, तो इस बार भी उसको पैसे नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके पति ने यानी कि जो सेठ थे पिता, लड़के के पिता, उसने अपनी पत्नी को ना बोल दिया था कि आप आज उन्हें पैसे नहीं दोगे, यानी कि उसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। लड़का फिर अपनी माँ के पास गया और बोला, अब लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने एक रुपया भाई को दे दिया। क्या किया, अब वो बहन के पास गया। देखो कितना वो आलसी है, वो आपको देखने की ज़रूरत है कि ये पार्ट से हमें ये पता कि बच्चा कितना आलसी होता है। अगर माँ ने पैसे नहीं दिए तो वो क्या कर रहा है, अपनी बहन के पास गया। बहन के पास गया वो रोने लगा, तो बहन ने एक रुपया निकाल कर उसको हाथ में दे दिया। रात को पिता ने पुत्र से पूछा, आज तुमने क्या कमाया। वापस शाम हुई, पिताजी ने पूछा कि आज रात्रि को वापस पूछा कि तुमने क्या कमाया। लड़के ने एक रुपया जेब से निकाल कर पिता के सामने रख दिया। रात क्या किया, पिताजी के सामने एक रुपया निकाल कर रख दिया और सामने रख दिए कि लो पिताजी ये मैंने कमाया। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। क्या कहा, उसे आप कुएं में फेंक दो। लड़का, क्योंकि पिताजी को पता है अगर वो मेहनत से कमाता तो वो कुएं में पैसे नहीं डालता, बल्कि उसने किसी और से पैसे लेकर लाया है उसकी वजह से वो कुएं में तुरंत ही डाल देता है। लड़के ने तत्परता ही साथ ही पिताजी की आज्ञा का पालन किया, यानी कि तुरंत ही उसने आज्ञा का पालन किया और जो पैसे थे वो अंदर कुएं में डाल दिए। अगर उसने मेहनत से कमाए होते, मजदूरी कर कर कमाए होते, तो शायद वो पैसे, मतलब वो शायद वो पैसे वो कुएं में नहीं डालता और पिताजी से कहता कि पिताजी ये मेरी मेहनत के पैसे, मेहनत करके मैं लाया हूँ,
तो मैं कुएं में कैसे डाल दूँ, राइट। तो उसकी वजह से ही वो पैसे नहीं डालता। चलो अब हम आगे देखते। अनुभव पिता सब कुछ समझ गए। अनुभव यानी कि उनको पता था कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, तो वो सब कुछ समझ गए। दूसरे दिन उसने अपनी बेटी को बुलाकर लड़के को पैसे न देने मना किया। क्या कहते हैं, दूसरे ही दिन उसने अपनी बेटी को घर पे बुलाया और उसको समझाया और उससे कहा कि बेटा आज के बाद तू अपने भाई को पैसे मत देना, क्योंकि वो परिश्रम नहीं करता, वो आलसी है। उसको समझना ज़रूरी है कि पैसे कहाँ से आते हैं और कैसे पैसे मिलते हैं, कैसे मेहनत करनी चाहिए। उसकी वजह से उसको तुम पैसे मत देना, यानी कि उसको मना कर दिया, पैसों के लिए उसको ना बोल दी। इसके बाद उसने लड़के को बुलाकर जाकर कुछ कमा लाने को कमा लाओ, नहीं तो रात को भी खाना नहीं मिलेगा। वापस उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और कहा जाकर कुछ कमा लाओ, नहीं तो रात को खाना नहीं मिलेगा। आज चौथा दिन था, आज वापस ये वही हुआ कि माँ पिताजी ने अपने बेटे से कहा कि जाओ और कमाओ, अगर आज कमा कर नहीं लाओगे तो शाम को खाना नहीं मिलेगा। लड़का माँ और बहन के पास गया, परंतु उन्होंने कुछ ना दिया, क्योंकि उनके पिताजी ने ना बोल दिया था कि आप लड़के को पैसे नहीं दोगे। बहन ने भी पैसे नहीं दिए और माँ ने भी पैसे नहीं दिए। लड़का सारा दिन उदास रहा। लड़का क्या हुआ, वो सारा दिन उदास रहा, वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँ। विवश होकर संध्या के समय वह उठा और बाजार में जाकर मजदूरी खोजने लगा। शाम हुई, पूरा दिन उसने कहीं कुछ नहीं किया, वो निराश हो गया था। फिर दूसरे उसी दिन शाम को वो बाजार गया और वहाँ जाकर बाजार में जाकर वो मजदूरी ढूंढने लगा। मजदूरी ढूंढना यानी कि काम ढूंढना, वो कुछ काम ढूंढने लगा कि कहीं मुझे कुछ काम मिल जाए तो मैं कुछ काम कर लूँ। उसे एक सेठ मिला। उसको क्या मिला, एक सेठ मिला, मतलब जो मकान वाले को सेठ होते हैं ना, जो काम करवाते हैं वो, ऐसे दुकानदार वाले सेठ मिले। उसके पास एक बड़ा सा संदूक था, उसके पास क्या एक बड़ा सा संदूक था, और उसने कहा मेरा संदूक उठाकर मेरे घर तक ले चलो, मैं तुम्हें 5 रुपये दूंगा। क्या कहते हैं कि ये संदूक है, ये तुम उठाकर मेरे घर तक रख देते हो तो मैं तुम्हें 5 रुपये दूंगा। ये उन्होंने, वो सेठ ने बोला कि उनके पास संदूक था इसलिए उन्होंने देखा। अमीर के बेटे ने संदूक उठाया और उसे सेठ के घर पर पहुँच आया। अमीर का बेटा था तो उसने वो संदूक उठाया और उनके घर पर जाकर रख दिया, यानी कि उनके वो मेहनत की, उसको अब पता चलेगा कि मेहनत कैसे होती है। जैसे आप सारे बच्चे कुछ ऐसे जिद करते हो ना कि ये चाहिए ये चाहिए मुझे, नहीं मम्मी मुझे ये, जब मम्मी के पास अफोर्ड नहीं होता है तो मम्मी नहीं दिला सकती, फिर भी आपका तो आपको भी कभी कभी ऐसा करना पड़ता है कि जब कुछ कमा कर लाओ और फिर खाना मिलेगा, तभी आपको पता चलता है कि कैसे कमाया जाता है, राइट। यस, फिर उसका सारा शरीर पसीने से भीग गया, उसका जो सारा शरीर था वो पसीने से भीग गया था। पाँव काँप गए, पाँव काँपना यानी कि ध्रुजा जी इतना सारा वजन कभी भी उठाया नहीं था, उसने कभी भी इतनी मेहनत नहीं की थी, उसने पहली बार कम मेहनत की थी क्योंकि वो आलसी था उसकी वजह से। रात को पिता ने पुत्र से पूछा, रात हुई वो लड़का घर पर आया और पिताजी ने फिर से उससे पूछा आज तुमने क्या कमाया। लड़के ने जेब में 5 रुपये निकाल कर पिता के सामने रख दिया। क्या किया, वो 5 रुपये जो कमा कर लाया था वो पिताजी के सामने उसने रख दिया। पिता ने कहा तुम इन्हें कुएं में फेंक दो। क्या कहा, तुम उसे कुएं में फेंक दो ये 5 रुपये को। लड़के की आंखों में आंसू भीग गए। क्या कहा, लड़का वो रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप पिता के आगे सिर झुकाकर खड़ा रहा, वो चुपचाप वो पिताजी के सामने सिर झुकाकर खड़ा रहा, वो कुछ ना बोला। फिर पिता ने फिर से अपनी बात दोहराई, इन रुपयों को कुएं में फेंक दो, ये रुपये जो तुम लाए वो 5 रुपये उसे तुम कुएं में फेंक दो। इस बार लड़के ने हिम्मत जुटाई और कहा, इस बार उसने हिम्मत जुटाई और कहा, क्या कहा, इन रुपयों को कमाने से मेरी गर्दन टूट गई और आप कहते हैं इन्हें कुएं में फेंक दो। क्या कहते हैं, हर बार देखो आपने देखा कि उसकी मामा ने पैसे दिए थे तो उन्हें तुरंत ही कुएं में फेंक दिए, उसकी बहन ने पैसे दिए तो भी उसने तुरंत कुएं में फेंक दिए, क्यों,
क्योंकि उसने परिश्रम से पैसे नहीं कमाए थे, उसने मेहनत करके पैसे नहीं कमाए थे, उसकी वजह से उसने वो कुएं में फेंक दी। अगर आज इस बार उसने 5 रुपये वो मेहनत से कमाए हैं, उसकी गर्दन टूट गई थी, उसकी वजह से आज इस बार उसने अपने पिताजी के सामने हिम्मत करके बोला कि अगर ये इतना 5 रुपये मैं कुएं में डाल दूँ तो मेरी मेहनत का क्या, मैंने इतनी मेहनत से 5 रुपये कमाए थे और मैं वही उसको कुएं में डाल दूँ। और आप कहते हो कि कुएं में फेंक दूँ। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गए, जो अनुभव थे उनका एक्सपीरियंस बोल रहा था, उसने पता था कि मेहनत की कैसे जाती है, मेहनत करके कैसे पता चलता है। दूसरे दिन उसने अपना कारोबार अपने बेटी को सौंप दिया। दूसरे ही दिन उसने अपने कारोबार उसके पिता को, क्योंकि जो लड़का था इसे सौंप दिया। सुदर्शन की कहानी पर आधारित, अपनी मेहनत की कमाई मूल्यवान होती है। कहते हैं ना कि हम जो कमाते हैं वो मूल्यवान होता है, कोई और देता है तो उसकी वैल्यू नहीं रहती। पर मैं बस यही कहूँगी सारे बच्चों को कि मेहनत करनी ज़रूरी होती है, वो हम करें या पापा करें, मेहनत मेहनत होती है। पैसा पैसा ही होता है, अपना हो या किसी और का हो, बट ओनली फॉर ये जानना ज़रूरी होता है कि पैसों की वैल्यू करनी चाहिए। हम जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ें हमें लेनी चाहिए, उससे ज़्यादा चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। चलो अब थोड़े हम शब्दार्थ देख लेते। समुद्री, सागर से संबंधित। ममता, माँ का प्यार। अशर्फी, सोने का सिक्का। विवश, मजदूर और लाचार। व्यापार, कारोबार। संदूक, बक्सा। तत्पश्चात, तेजी से। अभ्यास, किसी कार्य को बार बार करना। परिश्रम, मेहनत। जुटाई, बटोरी। और सौंप तो सुपुद, क्या कहते हैं उसको, सुपुद। ये रही हमारी एक्सपीरियंस, यानी कि वो शब्द अर्थ। ये पाठ से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी भी हमें आलसी होना नहीं चाहिए। अगर हम आलसी हो जाते हैं तो ये गलत बात है, तो वो हमें आलसी होना नहीं चाहिए, राइट। हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए और पैसों की हमेशा वैल्यू बढ़ानी है और करते रहनी चाहिए। मम्मी पापा इतनी मेहनत से कमाते हैं तो हमें जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ें लेनी चाहिए, उससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं करनी चाहिए, राइट। तो आज के लेक्चर में इतना ही, दूसरे लेक्चर में हम उसकी एक्सरसाइज और एक्सपीरियंस करेंगे। तब तक लिए घर पे रहेगा, सेफ रहेगा और अपनी खुश रहेगा। ओके, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे माय चिल्ड्रंस। बाय बाय।